हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बोल आप लोग का 2000 टेस्ट का एग्जाम होने वाला है, उसमें मैं आप लोग को प्रिपरेशन करा रही थी। जो लेवल 3 कॉमर्स के बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उन तो लोगों को प्रिपरेशन मैं करा रही थी। तो आज की वीडियो में जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, उससे अधिक क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले भी मैं ऐसी वीडियो सपोर्ट कर चुकी हूँ, इसके चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें सारी वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, इस प्ले लिस्ट का आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ आपका नया टॉपिक रहेगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की वीडियोज के लिए। इसी तरह कोई क्वेश्चन हो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर पब्लिक एंटरप्राइजेस मे टेक आर डैश। एक सार्वजनिक उद्यम संगठन के जो रूप अपना सकता है वे डैश है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम, कोऑपरेटिव, सहकारी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम, गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब बात आती है पब्लिक इंटरप्राइजेस की तो पब्लिक इंटरप्राइजेस में कौन कौन से ऐसे उपक्रम होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं जिनको शामिल किया जाए, कौन सी कंपनीज हैं, कौन से उपक्रम है, इंटरप्राइजेस हैं या निगम है जिनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अलग अलग चीजें बताई गई हैं जो सार्वजनिक उद्यम में शामिल होंगी वो हो जाती हैं। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, विभागीय उपक्रम है वो भी शामिल किए जाते हैं। जो सरकारी संस्थाएं हैं यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पर उनको शामिल नहीं किया जाता कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। और जो स्टेटरी कॉर्पोरेशन, वैधानिक निगम भी आते हैं, साथ ही गवर्नमेंट कंपनी भी आती है, सरकारी कंपनियां भी आती हैं, इन तीनों को शामिल किया जाता है। लेकिन जो कॉपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी यानी कि ओनली ए सी एंड डी। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में देखना था कि कौन सा करेक्ट होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं था तो ए ऑप्शन भी बाहर हो जाएगा, सी भी बाहर हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। कौन सा बचेगा, बी करेक्ट ऑप्शन बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास सरकार की शक्ति और निजी उद्यमों के परिचालन लचीलेपन की पर्याप्त मात्रा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, अलग कर दो। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है जिसके पास तो गवर्नमेंट पावर भी रहती है, सरकारी शक्तियाँ भी रहती हैं, साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर में उद्यम चल रहे हैं, इंटरप्राइजेस चल रहे हैं, उनको ऑपरेट करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो पावर भी रहती है कि उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं या उनको भी अपने एक सब्सिडरी वेंचर के तौर पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनी या फिर तीनों ही। तो उसमें जो वैधानिक निगम होते हैं, स्टेटरी कॉर्पोरेशन होती हैं, उनके पास ये पावर रहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निगम होते कौन से हैं, तो आपने पढ़ा होगा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके आगे कंपनी लगा रहता है, कुछ के आगे कॉर्पोरेशन लगा रहता है। जैसे कि हम बात करें LIC की, LIC नाम सबने सुना होगा LIC के बारे में। तो जो LIC है उसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, कंपनी नहीं कॉर्पोरेशन है, क्योंकि LIC क्या है, एक निगम है, जीवन बीमा निगम कहा जाता है। जो निगम होते हैं और कंपनी, काफी कंफ्यूजन रहती है इसमें, दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है तो एक कंपनी जो होगी वो कंपनी एक्ट 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन जो एक निगम होता है, जो एक कॉर्पोरेशन होता है, उसके लिए एक अलग से अधिनियम बनाया जाता है जो संसद में पारित होता है और उसमें उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन दे रखे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका जितना भी जो भी प्रोसेस होती है वो सारी चलती है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीवन बीमा निगम, जैसे मैंने बताया आपको, तो जीवन बीमा अधिनियम आया था 1948, उसके अकॉर्डिंग ही जीवन बीमा अधिनियम जो बना था उसी के अकॉर्डिंग जीवन बीमा निगम है उसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका निभाई जाती है। पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमी, रीजनल बैलेंस, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन में कह रहा है
एक इकोनॉमी जो होती है उसका जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, जैसे कि हमारे निर्णय की बात करें कि हमारे नेक्स्ट इकोनॉमी है, तो कुछ आपके जो उद्योग है या कुछ चीजें हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में है और कुछ क्या है निजी क्षेत्र में है। तो दो सेक्टर चलते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडिया में। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन आपके कह रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है, जो पब्लिक सेक्टर होता है, एक इकोनॉमी की आगे बढ़ने में क्या भूमिका निभाता है, अर्थव्यवस्था में क्या रोल प्ले करता है, क्षेत्र संतुलन बनाता है, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक शक्ति के अति संकेंद्रण की जांच करना, या फिर ये तीनों ही। तो जो पब्लिक सेक्टर होता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर उनका एक ही एम होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। वो अपने बारे में सोचते हैं, पूंजी का एकत्रीकरण करते हैं, जो कैपिटल सेंट्रलाइजेशन आपने पढ़ा होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें। लेकिन जो मिक्स इकोनॉमी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं, वहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सारे समाज का जितना भी सोसाइटी है उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। वहाँ पर ये सोचा जाता है प्रॉफिट तो अर्न करना है लेकिन हमें समाज का लाभ भी करना है, वहाँ समाज के हित में रहते हुए उनको अर्न करना है प्रॉफिट को। तो वहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाता है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास हो। वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि पैमाने की यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी जो पैमाने की बस्ती होती हैं, जो बड़े स्केल पर बिजनेस करते हैं तो वो भी फायदे मिलते हैं। साथ ही आर्थिक शक्ति के यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कुछ ही लोगों के हाथों में बहुत सारा जो मनी होती है, धन होता है, वो सेंट्रलाइज हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, वो दो वर्ग बच जाती है। एक हो जाते हैं आपके जो कि धनी वर्ग हो जाता है, दूसरा श्रमिक वर्ग हो जाता है। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर दोनों ही सेक्टर साथ साथ चल रहे होते हैं, तो कुछ लोगों के हाथ में सारा जो पूंजी होती है, कैपिटल होती है, वो एकत्रित नहीं होती, सब में इक्वली डिवाइड होती है। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये तीनों एक बेनिफिट मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में केंद्रीकृत नियंत्रण का तात्पर्य डैश द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रण से है। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसीज एम्प्लॉयज कंट्रोल एक्साइज बाई डैश ब्रांचेस सब्सिडरीज हेडक्वार्टर्स पार्लियामेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती क्या हैं, जो कि एक साथ बहुत से देशों में अपने ब्रांचेस को खोलती हैं, बहुत से देशों में अपना बिजनेस को एक्सटेंड कर रही होती हैं, एक्सपैंड कर रही होती हैं, फैला रही होती हैं, तो कंपनीज क्या हो जाती हैं, एमएनसीज कहलाती है। मल्टीनेशनल नाम से एक लिया है कि जहाँ बहुत से राष्ट्रों में उनकी जो भी बिजनेस होता है वो फैला होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो एमएनसीज होती हैं उनमें कंट्रोल जो होता है किसके हाथ में केंद्रित होता है, किसी एक शाखा में, सहायक कंपनियों में, मुख्यालय में या फिर संसद के पास, तो उसका जो कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, जो भी हेड ऑफिस होती है, एक तो हेड ऑफिस होगा ना, उसी के अंडर में सारी आगे की ब्रांचेस खोली जाएंगी, तो वो हेड ऑफिस जो होगा वही कंट्रोल करता है सारी ब्रांचेस पर, चाहे वो जिस भी कंट्री में अलग अलग हो। लेकिन जो नियंत्रण होता है, जो मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल होता है, वो एक हेड ऑफिस से ही रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टेट्री कॉर्पोरेशन। स्टेट्री कॉर्पोरेशन आर पब्लिक इंटरप्राइजेस दैट कम इनटू एक्सिस्टेंस बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेट्री कॉर्पोरेशन आर सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एज आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। स्टेट्री इंटरप्राइजेस आर फंडेड डायरेक्टली बाई द गवर्नमेंट ट्रेजरी। द एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट्री इंटरप्राइजेस आर सिविल सर्वेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वैधानिक निगम होते हैं उनके बारे में इसमें से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि वैधानिक निगम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं, जैसे कि अभी मैंने डिटेल में आपको समझा ही दिया था LIC के बारे में, तो ये पॉइंट तो करेक्ट हो जाएगा हमारा। बाकी के तीन भी देखते हैं। वैधानिक निगम उन्हीं लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के अधीन है जो सरकारी विभागों पर लागू होते हैं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है इस बारे में, तो ये गलत हो जाएगा। वैधानिक उद्यमों को सीधे सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है, ये भी गलत है। वैधानिक उद्यमों के कर्मचारी सिविल सेवक होते हैं, ये भी गलत है। तो ये तीनों ही क्या है, LIC से आपने देखा होगा ना कि रिक्रूटमेंट निकलती है, तो अगर आप लोग चेक करते हैं रेगुलर देखिएगा, LIC की रिक्रूटमेंट आती है, उसमें फॉर्म फिल करिए, उनके एग्जाम्स होते हैं, उसको क्लियर करिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट वो होगा ऑप्शन ए।
एक विशेष अधिनियम पारित किया जाता है उसी के अनुसार ही इनको जो भी इनका रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो चलते हैं, और वो अधिनियम कहाँ पारित होता है, वो पार्लियामेंट में, संसद में पारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्यम का वित्त पोषण सीधे सरकारी खजाने से आता है और सरकार के बजट से वार्षिक विभाग विनियोग के तहत होता है और इसके द्वारा अर्जित राजस्व का भुगतान भी खजाने में से किया जाता है। द फंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी इज अंडर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू अर्न बाय इट इज ऑल्सो पेड इन टू द ट्रेजरी। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कौन से ऐसे उद्यम होते हैं जो जिनका भी वित्त पोषण यानी कि जो भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट ट्रेजरी वहाँ से की जाती है और जो गवर्नमेंट का बजट बनता है उस बजट में भी उनके जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वार्षिक अर्ली उस इन्वेस्टमेंट का भी पूरा ब्यौरा दे रखा होता है, सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो वो कौन से उपक्रम रहते हैं, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, सरकारी कंपनियां या फिर सहकारी समितियां। तो कौन से उपक्रम ऐसे होते हैं, वो हो जाते हैं विभागीय उपक्रम यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जो गवर्नमेंट के अलग अलग विभाग चल रहे हैं जैसे कि रेलवे का विभाग है अलग चल रहा है जिसमें कि आज रेलवे में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी आ जाती हैं, तो उसको बजट में भी शामिल किया जाता है। आपको पता ही होगा कि बजट जो बनता है उसमें अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के तो वो सारे डिपार्टमेंट्स का भी बजट शामिल किया जाता है, जो कम्बाइंड बजट बड़ा बनता है उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम निगमन के समय एक स्थापित ब्रांड नाम से सबसे अधिक लाभान्वित हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेस में बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनी, स्टेटरी कॉर्पोरेशन, ट्राइट नेचर। क्वेश्चन में कह रहा है तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही हिंट दे रखी है। क्या हिंट है, कौन सा ऐसा उद्यम है जिसको निगमन किया जा रहा हो यानी कि जिसको इनकॉर्पोरेशन हो रहा हो, जब भी कोई कंपनी होती है या कोई कॉर्पोरेशन होती है, कोई डिस्टर्ड हो रही होती है तो वहाँ पर कॉर्पोरेशन के टाइम पर स्थापित ब्रांड यानी कि पहले से उसका एक ब्रांड कोई बना हुआ था उसी के अंडर में उसको भी बनाया जा रहा होगा तो उस ब्रांड का बेनिफिट मिलता है, तो वो कौन सी चीज़ होगी, वो हो जाता है यानी कि विभागीय उपक्रम, सरकारी कंपनी या फिर वैधानिक निगम। ये तीनों तो अलग ही तरह से बनते हैं। जो ज्वाइंट वेंचर होता है, संयुक्त उद्यम होता है, उसमें ये रहता है कि ऑलरेडी कोई कंपनी बड़ी बनी हुई है, उन्हीं का ही अपना एक बना रहे हैं नया वो, या फिर कोई दूसरी कंपनी आकर के उसमें जोड़ रही है, वेंचर कितना उनके ज्वाइंट हो रही है उनके में, तो वहाँ पर वो जो पहली कंपनी का जो ब्रांड होता है उसका जो भी गुडविल होगी, जो भी नाम बना होगा, उसका बेनिफिट उस नए ब्रांड को मिलता है। तो यहाँ पर कैसा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ज्वाइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का विनिवेश डैश दर्शाता है। This investment of PSE public sector enterprises implies that sale of equity shares to private sector are public, closing down operations, investing in new areas, buying shares of PSE. देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है जो PSE है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या अलग से नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पीएसईज होते हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज होते हैं उनमें जो विनिवेश होता है वो क्या दर्शाता है, निजी सार्वजनिक क्षेत्र को क्षमता अंश की बिक्री, परिचालन बंद करने को, नए क्षेत्र में निवेश करने को या फिर पीएसई के अंश तय करने को। इसमें जो विनिवेश होता है वो जो दर्शाता है कि सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक, कि जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं पीएसईज के उनको जो प्राइवेट सेक्टर होता है या पब्लिक सेक्टर होता है उनको सेल किया जा रहा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें सरकार द्वारा रखी गई सत्ता पूंजी डैश से कम नहीं होती है। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एनी कंपनी इन विच द पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट लेस देन डैश 49%, 51%, 50%, 25%। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एक गवर्नमेंट कंपनी होती है वो किस तरह की कंपनी होती है, तो जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उसमें जो सरकार की द्वारा जो सत्ता पूंजी होती है वो क्या कितनी होनी चाहिए,
वैसे 50-50 है तो इक्वल पार्टनर हो जाएंगे ना, लेकिन अगर किसी की भी 1% ज्यादा होते हैं तो उसका पूरा अधिकार हो जाएगा। तो 51% जो शेयर होते हैं वो जो गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो सरकार द्वारा जितनी पूंजी होनी चाहिए किसका, वो हो जाती है 51%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट शेयर होने पर इस कंपनी को सरकारी मंजिल कहा जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 51%। और अकेले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर यूपी गवर्नमेंट के पास होने से बात नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पास भी हो सकता है, यूपी गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, या फिर कंबाइंड भी दोनों के पास हो सकते हैं, तब भी वो 51% अगर है तो वो सरकारी कंपनी हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित में से किस प्रकार के संगठन में बाजार क्षेत्र का विस्तार करने और सहायक कंपनियां, शाखाओं और सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से संचालन करने की क्षमता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द मार्केट टेरिटरी एंड ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ सब्सिडियरीज ब्रांचेस एंड अफेयर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में जो सहायक कंपनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, तो सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से संचालन करने की क्षमता रखता है, तो इसमें से कौन सा उपक्रम होगा या फिर कौन सा ऐसा संगठन होगा। यहाँ पर आपकी दे रखी है MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फुल फॉर्म भी साथ में यहाँ पर दे रखी है मैंने, जिससे कि आपको अगर शॉर्ट में आता है तो फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पूछ सकता है शॉर्ट में भी। MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसकी शॉर्ट में क्या थी, PSEs थी, तो याद रखिएगा इसको भी, इसको भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, PSE हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि कौन से ऐसे संगठन होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, तो वो हो जाएंगे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, MNCs होते हैं, वो बाजार क्षेत्र का विस्तार, क्योंकि वो एक से ज़्यादा राष्ट्रों में फैले होते हैं, मल्टीनेशनल नाम सही क्लियर है, एक से ज़्यादा राष्ट्रों तक फैले होते हैं, तो वहाँ पर बाजार का विस्तार करना, जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करना आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरे जो कंट्री है उनकी मार्केट में भी वो चीज़ें फैली हुई होती हैं, मार्केट काफ़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन पर जब हम जाते हैं, वैश्वीकरण के लेवल पर चले जाते हैं, तो संपूर्ण विश्व जो होता है, पूरा कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो एक मार्केट की तरह देखा जाता है, तो वहाँ पर बिजनेस को एक्सपैंड करना बहुत आसान होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है, द मेन मोटिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज सोशल सर्विस, अर्निंग प्रॉफिट, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने बताया ही था आपको कि जब भी हम निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं या फिर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए तो ये आपको क्वेश्चन में भी कह रहा है कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यह रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक रूप कौन सा है, विच इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, स्टेटी कॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डिपार्टमेंट एंड जैसे की। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर है, उसका सबसे पुराना या ओल्डेस्ट कहें हम कि कौन सा रूप है, फॉर्म है, तो वो हो जाता है जो विभागीय उपक्रम होते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग होती है, वो सबसे पुराना रूप माना जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक निगम की शक्तियाँ और उद्देश्य कैसे परिभाषित होते हैं, हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड, बाय कंपनीज एक्ट, बाय पार्टनरशिप एक्ट, बाय स्पेशल एक्ट और अफसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सार्वजनिक निगम होता है उसमें के पास जो भी पावर्स होती हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो कहाँ पर परिभाषित होते हैं, किस जगह पर परिभाषित उनको किया गया है, इसके बारे में जैसे मैंने आपको समझाया ही हुआ है कि एक अलग से अधिनियम बनाया जाता है, कोई स्पेशल एक्ट तैयार किया जाता है उनके लिए, और उसी के अकॉर्डिंग उनका सारा जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, प्रक्रिया होती है, चलती है। तो यहाँ पर किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, विशेष अधिनियम द्वारा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विच वन कम्स अंडर द प्राइवेट सेक्टर, सोल प्रॉपर्टीज, लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं, तो एकमात्र स्वामी जो होता है, यानी कि एक व्यक्तिगत कोई किसी का अपना बिजनेस है उसका, वो अकेला ही ओनर है, लिमिटेड कंपनियां, साझेदारी या फिर ये सभी, तो यहाँ पर इन तीनों को ही शामिल किया जाता है प्राइवेट सेक्टर में।
एक अकेला व्यक्ति जो भी अपना बिजनेस कर रहा है वो भी प्राइवेट सेक्टर में है, एक कोई कंपनी जिनके आगे लिमिटेड शब्द लगा होता है तो वो भी अपने अपना अलग से निजी क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में काम कर सकती है, साझेदारी भी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामी कौन है, हु ओन्स पीएससी, गवर्नमेंट, एमएनसी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट हिंदू फैमिली। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आपने ये तो समझ लिया कि सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं, लेकिन अब ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन ओन करता है, कौन का स्वामी होता है, सरकार होती है, राष्ट्रीय कंपनियां होती है, निजी संस्था या फिर संयुक्त हिंदू परिवार, इनका स्वामी कौन होता है, वो हो जाएगी गवर्नमेंट। काम तो ये करते हैं पब्लिक के लिए ही, पब्लिक वेलफेयर में ही काम करते हैं, लेकिन जो ओन करती है वो गवर्नमेंट करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमार सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्निर्माण कौन करेगा, हु विल रिकंस्ट्रक्ट द सिक पब्लिक सेक्टर, MOU, NRI, BIFR, NANOPI। उसमें कह रहा है कि ऐसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी या एंटरप्राइजेस जो कि बीमार हैं, मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, बीमार होता है इंसान से क्या होता है, काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, कुछ आउटपुट नहीं दे पाता है, प्रोडक्टिव काम नहीं होता है, तो सेम वही चीज़ें किसी भी यूनिट के साथ भी होती है, किसी भी उपकरण के साथ भी होती है कि जब वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट में नहीं जा रही है, लगातार लॉस में जा रही है, तो वहाँ पर उसका पुनर्निर्माण का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का काम कौन सी संस्था करती है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि कौन सी संस्था करती है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आप लोग को इसका आंसर बताऊंगी कि जो भी कौन सी संस्था ऐसी है जैसे रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और उस संस्था की फुल फॉर्म क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर भी करिएगा, और वीडियोस लगातार मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।